हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए के फोर क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए फिजिक्स चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। इसमें हम सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट आपको कैसे देना है ताकि आपको प्रैक्टिस आसानी से हो जाए। तो ये भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको टेस्ट कैसे देना है, आपको स्कोर कैसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सारे बच्चे जल्दी से लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा तो ये आपका वेबसाइट खुलेगा। इस वेबसाइट को खुलने के बाद आपको सिंपली आपको स्क्रॉल करते जाना होगा और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा चैप्टर वन इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड टेस्ट प्लस क्वेश्चन डिस्कशन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, देख सकते हैं आप। और अगर आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 2006 से लेके 2023 तक क्वेश्चन आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पिछले 17 से 18 वर्षों के क्वेश्चन, जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि 2006 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। और यहाँ से आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे ज्वाइन अस पे क्लिक करके या फिर क्लिक हेयर पे क्लिक करके। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैक बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट चैप्टर वन, तो सिंपली आपको इसको पढ़ लेना है। सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपका डेटा फिल करना है, जैसे कि जो आपका इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड डेटा मांगा जाएगा उसको आपको फिल करना है, जैसे कि मैं आपको करके स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ, बने रहिए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आप इस तरह से अपना डेटा फिल करके यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन खुलेगा जिससे आप टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपका एक टेस्ट का ऑप्शन खुलेगा जिसमें से आपका क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन का दो दो पॉइंट रहेगा, इसको आपको अटेम्प्ट करके आपको सबमिट करना होगा। और यहाँ पे आपको व्यू स्कोर देखने को मिलेगा, जिस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका व्यू स्कोर दिखेगा कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया, प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो दो पॉइंट भी मिलेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके और मल्टीप्लाई बाई टू कितने आपने स्कोर किया। तो ये आप कर लीजिएगा और बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंपली आप सभी को स्क्रॉल डाउन करना होगा, स्क्रॉल डाउन करने के बाद वहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चलिए आप लोगों को दिखाया जाएगा इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सारे बच्चे जल्दी से लाइक कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आपको कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए। तो यहाँ से आप लोग अपना आंसर को सबमिट कर सकते हो और अपना व्यू स्कोर करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, यहाँ पे आप सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका व्यू स्कोर का बटन देखने को मिलेगा, वहाँ से आप अपना स्कोर को देख सकते हैं। तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको सब्जेक्टिव का मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं आप प्रीवियस 17 ईयर्स क्वेश्चन यानी कि 2006 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से आप अपना क्वेश्चन को देख सकते हैं और आंसर को अपने से करने का प्रयास कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा स्टेट कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आपको कूलम्स लॉ के बारे में स्टेट करना है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। ये क्वेश्चन आपको 2006 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अप्लाइंग गॉस थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी गॉस थ्योरम को अप्लाई करके एक पॉइंट चार्ज को क्रिएट करना है और डिराइव करना है इसको एक्सप्रेशन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ, तो गॉस लॉ को स्टेट करना है और एक्सप्लेन करके यानी कि प्रूफ करके बताना है कि गॉस लॉ कैसे प्रूफ हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको 2000 रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका 2007 में पूछा जा चुका है, 2011 में पूछा जा चुका है और 2014 में पूछा जा चुका है। इसी तरह आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप लोग क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट इस पेज में घुस जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और इस चैनल पे आपको बहुत सी नया चीज़ देखने को मिलेगा जो कि आपके पूरे सोशल मीडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, जैसे कि लाइक गूगल, फेसबुक, यूट्यूब या फिर कहीं भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा देखने को। तो इस चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2011, 2012, 2013, इस तरह से आपको 2023 का भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2023, यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2023 का भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो इस तरह से आप लोग अपना आंसर बुक कर लीजिएगा और इसका आंसर अगर आप सभी को चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि आंसर चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।